नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। पीएम ने 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख तक रुपए के कर्ज पर 3% ब्याज में छूट की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किसानों के क्रेडिट कार्डों को रुपए कार्ड में बदला जाएगा। वहीं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और प्राइमरी सोसाइटी से जिन किसानों ने खरीफ और रबी की बुआई के लिए कर्ज लिया था, उस कर्ज के 60 दिन का ब्याज सरकार वहन करेगी और किसानों के खातों में ट्रांसफर करेगी। वहीं पीएम के संबोधन को विपक्ष ने आड़े हाथों लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम ने एक तरह से संसद के बाहर बजट का भाषण पढ़ा है और सर्वोच्च विधायिका को नजरअंदाज करना है। ममता बनर्जी ने भी पीएम पर प्री बजट भाषण देने का आरोप लगाया। दूसरी ओर सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री के पास कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि बजट की स्पीच तो पीएम ने दे दी। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि पूरे 45 मिनट के भाषण में से 30 मिनट तक तो पीएम प्रवचन ही देते रहे। तो नोटबंदी से घायल लोगों के जख्म पर पीएम ने थोड़ा मरहम लगाया है, जिसे विपक्ष ने उबाऊ और बजट भाषण बताया है। पीएम के संबोधन से पहले उम्मीद थी कि वो कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। देखते रहिए डीबी लाइव।